हेलो हेलो, ये तुम सभी के पास में एक लास्ट चांस है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ वही देखना, ठीक है, जिनका डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, जो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और जिनका बैकलॉग हो चुका है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वही इस वीडियो को देखना। अदरवाइज जिनके डेली टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं टेलीग्राम से जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ये वीडियो स्किप कर दो और अपना जो टेलीग्राम पर जो मिल रहा है डेली टारगेट्स उस पर फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। वही बेस्ट है अभी इस टाइम पे। ओके, अब करना क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकलॉग हो चुका है या फिर जिनसे डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ना बहुत ही बढ़िया मैं अभी आगे जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना भाई लोग। जो लास्ट के 20 डेज है ना, ठीक है, तुम लोग बोलोगे भैया पागल हो गए हैं, 20 डेज में कैसे पॉसिबल होता है 620 नंबर, तो 620 नंबर ना पॉसिबल है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना उसका सॉल्यूशन मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या आ रही है इस टाइम पे तुम्हें, प्रॉब्लम ये आ रही है तुम्हें कि सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिवीजन प्रॉब्लम आ रही है भैया बहुत ज्यादा। तो सिलेबस सिलेबस जो है ना वो 60% स्टूडेंट का 1 से 2 महीने पहले खत्म हो चुका था, ठीक है। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में तुम इतना पढ़ लेते हो ना, 20-20 घंटे के लेक्चर कर लेते हो कि बाद में यार रिकॉल्यूशन कैसे हो पाएगा। तुम स्टार्टिंग में तुम्हारा एक टारगेट था कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम से, सिलेबस तुमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत जोश होता है कि भाई बहुत ही अच्छे से करना है, इस बार रैंक लेनी है, तो तुम बहुत कुछ पढ़ जाते हो, ठीक है। तो इस टाइम पर सिर्फ वही चीज याद करनी है जो तुम्हारे एग्जाम हॉल में याद रहे, ठीक है। वो कैसे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सेकंड वो स्टूडेंट भाई लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं इसी वीडियो में, रुके रहना अभी। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम एक और आ रही है, वो क्या है, कोचिंग में मॉक टेस्ट में जो भी तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, उसमें जो स्कोर है वो बहुत कम आ रहा है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा मॉक टेस्ट देने का, ठीक है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो नीट नहीं होने वाला, बर्बाद हो गया नीट मेरा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा बस माइंड सेट है और तुम बस पागल बन रहे हो, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, थर्ड ये है कि डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हॉल में भूल नहीं जाए, इतना सारा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। और इस टाइम पर कहना भाई लोग कि तुम्हें ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि भाई लोग सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, उस सीरीज में क्या है भाई लोग, मैं एक चैप्टर जो है ना वो तुम्हें करा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में, और 1 घंटे में जो तुम्हें कवर करा रहा हूं ना वो सारे कॉन्सेप्ट कवर है। और मैं फिर से बोल रहा हूं 99.99% भी नहीं, 100% पेपर यहीं से आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि बाहर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस एसेंस रीजन वगैरह मैं सब कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आज जो है शाम को 6:30 बजे क्लास है, पीरियोडिक टेबल की लाइव है सेशन, ठीक है, एक बार अटेंड करके देख लेना, तुम्हारे जो मन का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि भैया कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। ये भी जो है मैक्सिमम जो है 1 घंटे की क्लास होगी, मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बेसिक्स कवर करेंगे जिसका जीरो भी नहीं है ना, जीरो टू हीरो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यार अभी क्या करना है, अभी भाई लोग वो पढ़ना है ना जो तुम्हें एग्जाम हॉल में याद रहे। अभी खिचड़ी पका के नहीं बैठनी अपने माइंड में कि यार मेरे को ये भी करना है वो भी करना है, अभी सिर्फ वो करना है जो सिलेक्शन दे, जो सिलेक्शन दे और जो एग्जाम हॉल में याद रहे, ठीक है। कुछ टीचर बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट मत दो, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट, मैं उल्टा बोल गया यहां पे, कुछ टीचर बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मॉक टेस्ट देना है चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है या फिर नहीं है, अगर नहीं है तब भी तुम मॉक टेस्ट दो, तो ये बहुत गलत बोल रहे हैं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, एक बार तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, और कम से कम जो मैं बोल रहा हूं ना वो तुम्हें 5 से 6 बार तो यार रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लास्ट के 20 डेज में भाई लोग मैं एक लास्ट जो है डी टारगेट का ग्रुप बना रहा हूं, दिस इज द लास्ट ग्रुप, ठीक है, नीट तक इसके बाद कोई ग्रुप बनने नहीं बनेगा, लास्ट 10 डेज वगैरह कुछ नहीं होगा, लास्ट 20 डेज का मैं एक ग्रुप बना रहा हूं। 14 के इवनिंग से टारगेट मिलना स्टार्ट होंगे, ओके, जो हाई वेटेज चैप्टर्स वगैरह हैं वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी सिर्फ तुम अपने भरोसे रहोगे, ठीक है, बायोलॉजी में तुम्हें टारगेट तो दूंगा लेकिन तुम अपने भरोसे रहोगे, मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा वीडियोस, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, एक नया ग्रुप बनेगा। बट मेन चीज क्या है, मेन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, एक शेड्यूल तुम्हें मिलेगा, 14th को मॉर्निंग मिल जाएगा फिर आफ्टरनून मिल जाएगा। बट मेन चीज क्या है, अभी जो बीच के जो तुम्हारे पास में 2 दिन बचे हुए हैं उनको टाइम वेस्ट मत करो, बायोलॉजी से फोकस कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हारा इतना अच्छा स्कोर करा दूंगा ना कि तुम यार 280 से 300 के बीच में आराम से फोड़ लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एक बार लेक्चर भी चेक कर लेना कि कैसा पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, आंख बंद करके भरोसा मत करना किसी के ऊपर भी, ना मेरे ऊपर करना, एक बार खुद से ट्राई करो, पहले बोलते ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो सारी चीजें भी इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट 14th इवनिंग से, बहुत मजा आने वाला है, बस अपना ना जोश हाई रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है यार, तुम्हें भी होगा, तुम कोई बाहर से बाहर प्लेनेट से नहीं आए हो, तुम भी अर्थ के हो, ठीक है, इंसान ही हो, तुम्हें फायदा होगा, ठीक है।
ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस यार जो बोल रहा हूँ ना उसको कंप्लीट करते जाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहा मैं, दैट्स इनफ, बाय।